और प्रदेश मुख्यालय पर आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ऐसे लोगों को पार्टी ज्वाइन कराकर माहौल बना रही है जो कांग्रेसी है ही नहीं। उन्होंने कहा कि इसको जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है उससे कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा, भाजपा इस तरह भ्रामक खबरों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। आज मैंने हिंदुस्तान में सुबह से एक खबर पढ़ी पेज नंबर 2 पे कि पूर्व मंत्री समेत कांग्रेस के 12 पार्षद उम्मीदवार उनके नाम भी दिए हुए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और डिप्टी सीएम साहब के सामने घोषणा हो रही है। मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आखिर हम लोग झूठ का सहारा कब तक लेते रहेंगे। अब अगर आपका प्रत्याशी संगीता जायसवाल जी से कांग्रेस प्रत्याशी टक्कर नहीं ले पा रहा है तो आपने वही हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जिसके लिए भाजपा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होती जा रही है।